तो दोस्तों हम लोग बिल्डिंग टावर पे आ गए हैं, उस ऊपरी हिस्से पे ये हमारा एयर निकल रहा है। तो ये एयर निकल रही है यहाँ से एयर निकल रही है अंदर बिल्डिंग टावर से, तो मुझे ज़्यादा तेज नहीं हो सकता। हम लोग 104 मीटर ऊपर हैं। तो 104 मीटर ऊपर थे, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। पूरा प्लांट है इधर का, आप लोग दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये देखो प्लांट आपके सामने, पूरा प्लांट। हम लोग जा रहे हैं अंदर, अब पिलिप्स के थ्रू आए थे, अब अंदर जा रहे हैं इधर की तरफ। ये देखिए प्लांट पूरा अंदर जा रहे हैं सर। देखिए हम लोग अब देखेंगे अंदर क्या होता है। इधर लोग स्टूडेंट भीड़ लगाए पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। बकेट बोलते हैं, अगर ये वाला प्रोसेस ख़राब हो जाएगा तो ये वाला प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी कंट्रोल है इसका, और कैमरे भी लगे हैं यहाँ पे। ये पूरा अपना यूरिया का पर्लिंग टावर, मतलब पर्लिंग टावर। ठीक है सर, चल रहे हैं हम लोग को लेवा के, क्योंकि समझा रहे थे अभी हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ से काफ़ी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है अंदर, तो यहाँ से अब तो यहाँ पे निकल के बाहर आ गए। देखो दोस्तों पूरा प्लांट, पूरी काफी बड़ा है। ये देखिए कूलिंग टावर अपना NFL का कूलिंग टावर। ये क्या है? ये क्या है? ये तो वो है फैन वाला जो चल रहा है। लो सारा इधर 14 फ्लोर हमारा 78 मीटर का है। ये देखिए पूरा वो मनोरो फ्लोर लिस्ट है। ये हमारा थर्ड फ्लोर है। यहाँ पे यूरिया जो है ऊपर से हमारे लिक्विड फॉर्म में गिरती है, और इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है ना कि वो ऊपर से आते आते नीचे तक पहुँचते पहुँचते जो है ये पार्टिकल फॉर्म में हो जाती है, मतलब ग्रेनुलर फॉर्म में हो जाती है। और फाइनली हमारा यूरिया मिल जाता है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया जो है ऊपर से गिर रही है लिक्विड फॉर्म में, और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये नीचे आते आते ये ग्रेनुलर फॉर्म में हो जाता है। और यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, ये फैन टाइप का लगा हुआ है, इससे यूरिया जो है एक जगह जमा नहीं होती है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है। और नीचे हमारा कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, नीचे हमारा जो है कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, जिसके थ्रू वो यूरिया हमारी आगे की तरफ जाती है, और वहाँ पर नीम कोटिंग होती है। नीम कोटिंग होते हुए वह स्टोरेज रूम पे चली जाती है, उसके बाद वहाँ पे बैगिंग प्लांट पे चली जाती है। बैगिंग प्लांट हमारा उधर है, इधर हमारा बैगिंग प्लांट है। हमारे यूरिया जो है वहाँ पे जाने के बाद यूरिया की बैगिंग होती है। देख सकते हैं किस तरीके से यूरिया यहाँ पे बन रहा है। और ये हमारा यूरिया है, यूरिया प्लांट है, ये देख सकते हैं आप हमारा यूरिया प्लांट। ये लंबा सा है हमारा रिएक्टर है, ये आप देख सकते हैं NH3 स्टोरेज है ये।
ये हमारा अमोनिया को स्टोर करता है, ये हमारा गोल सा बना हुआ है। बाकी हम इस समय जो है पिरिनिंग टावर पर खड़े हुए हैं और ये हमारे किसान भाई हैं, ब्लॉगर किसान भाई। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे हमारा एक बार आचार्य ये हमारा सामने वाला जो हिस्सा है वो पता है क्या है, अमोनिया वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ सामने। हाँ, वहाँ पे अमोनिया स्टोर होता है, ये हमारा गोल था जो है यहाँ पे अमोनिया स्टोर होता है। वहाँ पे NH2 और CO2, NH3 और CO2 हमारा रिएक्शन करता है, वहाँ से कंप्रेसर और उसमें जाता है, पंप में जाता है। हमारा CO2 जो है कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जाता है और NH3 जो है पंप में जाता है लिक्विड पंप। ये हमारा यूरिया स्टोर है सामने वाला, और ये हमारा जो ये आपको दिख रहा है लंबा सा ना, ये यूरिया स्टोर, ये हमारा यूरिया स्टोरेज है, स्टोर रूम है, यहाँ पे हमारा यूरिया स्टोर होता है और यहाँ से सीधा हमारा बैगिंग प्लांट में चला जाता है यूरिया। वहाँ से लोडिंग होती है, ट्रक पे भी लोडिंग होती है, ट्रेन पे भी लोडिंग होती है, उसके बाद जहाँ जाना होता है वहाँ चला जाता है, हमारा मटेरियल तैयार रहता है। उसके बाद थैंक यू, आ चुके हैं लेक के थ्रू, ठीक है, सारा रिपोर्ट दे चुके हैं सर का, बहुत बहुत शुक्रिया सर का, बहुत बहुत थैंक्स कि सर ने हमको वहाँ पे घुमाया, पूरा ऊपर बताया बहुत कुछ। फाइनली हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, ये स्क्राइपर के थ्रू जो यूरिया आ रहा है वो हमारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कहाँ चला जा रहा है, वहाँ पे ना नीम कोटिंग के लिए। हाँ, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये नीम कोटिंग के लिए चला जा रहा है और वहाँ से नीम कोटिंग होने के बाद वो हमारा स्टोर रूम में चला जा रहा है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। हाँ, नीम कोटिंग दिखा दो आप। नीम कोटिंग यूरिया, नीम कोटिंग आगे होती है, नीम कोटिंग अंदर की तरफ होती है, आपको यहाँ से मैं नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप इतना दोस्तों, फाइनली हम नीचे आ चुके हैं हम लोग अब फाइनली, तो अब लोगों से पूछते हैं बात क्या सीखे वहाँ पे जाने के बाद, तो इन लोगों से पूछते हैं। ये देखिए हमारा पिलिंग टावर 104 मीटर ऊँचाई टोटल इसकी है, ये देखिए ऊँचा, ये देखिए पीछे पूरा कंप्लीट है। ये दोस्त आजार कादरी, बताओ क्या रिव्यू आपका, क्या कैसा लगा, क्या सीखे आप वहाँ जाने? फाइनली हम लोग आज बहुत ही मेहनत करने के बाद, सर से रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर जा चुके थे और ऊपर जाने के बाद सर ने हमें बहुत कुछ बताया जो हमें नहीं पता था, जैसे बकेट के बारे में हमें बताया, यूरिया वहाँ पे कैसे किस फॉर्म में बनती है और कैसे नीचे आती है, सारा प्रोसेस हमें सर ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा हमें ऊपर जाने के बाद। ऊपर जाने के लिए सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच सर। पाए किसी कारण तो दीपा भाई ग्राउंड सेक्शन बताएंगे हम अपना, तो ग्राउंड सेक्शन बताइए दीपा भाई। हम लोग जो है 2-3 दिन पहले गए थे जस्ट इसके ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर रोटरी स्क्रैपर लगा हुआ है जी, जो कुछ भी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जी, पैनल लगा हुआ है, उस पैनल में बकायदे रोटरी स्क्रैपर का फुली डिस्क्रिप्शन है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितने RPM की स्पीड से चल रहा है, उसका क्या, उसका पर्पज़ क्या है, ये सब बकायदे यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ भी, और हम लोग जान भी रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग जब आ रहे हैं सीख रहे हैं, बस यही है सर। बाकी आज तो ऊपर मैंने ये पाया, बाकी आज हम लोग को ऊपर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी जी जी, दीपक भाई किसी कारण आज सीढ़ियों से मैं जा रहा था भाई, खतरनाक, बहुत भयंकर डर लग रहा था, क्या मजा, ये लोग जितने ऊपर गए मैं तो उसका आधा ही था, लेकिन उम्मीद हिम्मत ना हुई इसके ऊपर जाने की। किशन भाई मैं आपकी तरफ बैठ गया, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद पूरा पंजाब का व्यू आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि मजा आ जाता है, पंजाब का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ही, बहुत ही, बहुत ज्यादा आनंददायक, ऊपर जा रहा है, कुछ सीखने को मिला लेकिन आनंद भी बहुत आया, ऊपर से फोटोग्राफी थोड़ा बहुत वगैरह का बकायदा अच्छे से व्यू दिख रहा था, ये क्लियर, और ऊपर जाने के बाद फोटोग्राफी ना हो ऐसा कहां हो सकता है जी जी, क्लियरिफ लोकेटर है इसका भी बकायदा सब कुछ दिख रहा था, डीआईओनेट टैंक दिख रहा था, ये सब कुछ दिख रहा था, लो प्रेशर अमोनिया टैंक सब एकदम अच्छे से बढ़िया से दिख रहा था। यहां आना चाहते दीपक भाई उनके बारे में क्या कहना चाहते, जो आना चाहते हैं यहां ट्रेनिंग के लिए अपने, बिल्कुल वो आए, ये अच्छी जगह है सीखने की देखने लेकिन आने के बाद पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, तभी आपको डिसिप्लिन भी मिलेगा, वरना सर नहीं बताने वाले हैं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तभी। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक भाई इतना एक्सप्लेन किया मतलब इसके बारे में, तो जो यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आ सकते हैं, सीख सकते हैं आने के बाद। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।